हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ चेक बाउंस के केस में जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, जो कोर्ट में केस चलता है वो कैसे चलता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोर्ट में चेक बाउंस के केस की प्रोसीडिंग चलती है, क्या उसमें करना होता है, क्या नहीं करना होता है, सभी के बारे में आज मैं बात करूँगा डिटेल में। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने चेक बाउंस के पर एक वीडियो बनाई है कि चेक बाउंस का जो केस होता है वो क्या होता है, उसकी टाइम लिमिटेशन कितनी होती है, उसमें आपको क्या करना होता है, वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कि चेक बाउंस के जो केस में प्रोसीडिंग होती है वो जो कोर्ट में चलती है वो कैसे चलती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसे एक बार क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसके बारे में जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूँ वरुण प्राशर, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि चेक बाउंस का केस क्या होता है, जब आपको कोई चेक देता है और वो चेक आप अपने जाकर बैंक में लगाते हैं, तो बैंक में अगर वो चेक जो होता है बाउंस हो जाता है, तो आपको बैंक की तरफ से रिटर्न चेक और एक मीमो मिलता है। मीमो में ये मेंशन होता है कि जो चेक बाउंस हुआ है वो किस कारण से बाउंस हुआ है, इनसफिशिएंट फंड या किसी अन्य कारण से, या पेमेंट स्टॉप की गई है, ऐसा मीमो में एक जो रीज़न होता है वो मेंशन होता है। मोस्टली जो रीज़न देखा गया है इनसफिशिएंट फंड्स आता है। तो उसके बाद करना क्या होता है, आपको एक महीने के अंदर अंदर जिसने आपको चेक दिया था उसको आपको लीगल नोटिस भेजना होता है कि आपने मुझे चेक दिया था वो बाउंस हो गया है। तो आप जब भी आपको ये लीगल नोटिस मिलता है उसके 15 दिन के बीच बीच में आप मुझसे कोई सेटलमेंट कीजिए, या मुझे नया चेक दीजिए, या कोई भी मुझसे सेटलमेंट कीजिए। तो जब आप लीगल नोटिस, यानी कि आपको मीमो मिलने के बाद एक महीने के बीच में आपको लीगल नोटिस सेंड करना होता है, और लीगल नोटिस सेंड करने के 15 दिन के बीच में आपको रिप्लाई की वेट करनी होती है, चेक ऑनर से आपको कोई रिप्लाई आता है या नहीं आता है। अगर आपको जिसने चेक दिया होता है आपको कोई भी रिप्लाई नहीं देता है, अगर आपसे कोई भी सेटलमेंट नहीं करता है, तो 15 दिन के बाद आपको जो समय मिलता है वो मिलता है एक महीने का। एक महीने के बीच बीच में जो आपको चेक बाउंस का केस है वो कोर्ट में फाइल करना होता है। अब हम शुरू करते हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग कैसे होती है। सबसे पहले जो बैंक होता है जिसमें चेक आपका बाउंस हुआ है, उसके हिसाब से आपको देखना होता है कि किस क्षेत्र अधिकार में, कौन सी कोर्ट में, या किस क्षेत्र में आपको जो है चेक बाउंस का केस किस मैजिस्ट्रेट के पास फाइल करना है, उसके हिसाब से आप जो केस है वो आप कोर्ट में, जिस भी क्षेत्र, जो भी क्षेत्र अधिकार पड़ता हो, जिस भी मैजिस्ट्रेट के पास, आप उनके कोर्ट में चेक बाउंस का केस फाइल करेंगे। जब आप कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो आप कोर्ट में कंप्लेंट की कॉपी, सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अनुसार जो आपने केस किया है आप लिखेंगे उसमें कंप्लेंट की कॉपी में। अभी फैक्ट सब लिखने के बाद जो कंप्लेंट की कॉपी होती है वो आप केस में लगाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो आपको ओरिजिनल चेक होता है जो आपको बैंक से रिटर्न हुआ है, वो चेक आप लगाएंगे। इसके अलावा जो आपको बैंक से मीमो मिलती है आप मीमो भी साथ में लगाएंगे। जो आप लीगल नोटिस सेंड करते हैं वो भी आप साथ में लगाएंगे। इसके अलावा जो आप लीगल नोटिस की, जो जैसे आप डाक के द्वारा भेजते हैं, उसकी जो पोस्टल रिसिप्ट होती है वो भी आप साथ में लगाएंगे। फ्रेंड्स, कंप्लेंट जो फाइल करने के बाद कंप्लेंट को जो एक साथ में एफिडेविट भी देना होता है, जिसमें उसे लिखना होता है कि मैंने उसे इतनी पेमेंट लेनी थी, कि उसे और उसने मुझे चेक दिया और चेक जब मैंने बैंक में लगाया वो बाउंस हो गया, मैंने लीगल नोटिस भेजा वगैरह वगैरह आपको लिखना होता है एफिडेविट के अंदर भी। इसके अलावा जब आप कंप्लेंट फाइल कर देते हैं जज के पास, जब आप जाते हैं तो जज को आपको पूरा बताना होता है कि मैंने इस बंदे से जो अक्यूज है इससे इतनी मुझे पेमेंट लेनी थी, इसने मुझे चेक दिया, मैंने उसको लीगल नोटिस भी सेंड किया, मैंने विद इन 30 डेज को लीगल नोटिस सेंड किया, और उसके बाद 15 डेज के अंदर अंदर उसने मुझसे कोई सेटलमेंट नहीं की, और विद इन मैं टाइम लिमिट जो केस है वो फाइल कर रहा हूँ। ये सभी फैक्ट्स जो होते हैं आपको मैजिस्ट्रेट को बताने होते हैं। इसके बाद जो जज होता है मैजिस्ट्रेट, वो अक्यूज़ के खिलाफ नोटिस जो है जारी करता है। तो जब जो नोटिस होता है जब अक्यूज़ को प्राप्त हो जाता है, तो अक्यूज़ कभी क्या करता है कि मुझे नोटिस आ गया है, मुझे पैसे देने पड़ेंगे जाके कोर्ट में, तो वो बचना चाहता है, तो वो कोर्ट में पेश नहीं होता है। जब वो नोटिस मिलने के बाद जज के पास कोर्ट में पेश नहीं होता है, तो जज जो मैजिस्ट्रेट होता है वो एक्यूज के खिलाफ गैर जमानती वारंट, यानी कि अरेस्ट वारंट जारी करता है। तो उसमें क्या होता है कि जो पुलिस होती है वो पकड़ के जो एक्यूज होता है उसको कोर्ट में पेश करती है। अब बात कर लेते हैं कि जब एक्यूज होता है कोर्ट में पेश होता है, उसके बाद जो कार्रवाई होती है वो कैसे होती है। जज जो होता है वो उसको बोलता है कि आपने जो कंप्लेनेंट से इतने पैसे लिए थे तो आपने बाद में वापस नहीं किए, आप जो है आपस में कोई सेटलमेंट कर लीजिए, जो भी आपके पैसे बनते हैं आप कंप्लेनेंट को दे दीजिए। ऐसा जज जो होता है कि उसको बोलेंगे। अगर कोई मान लेता है कि मैंने वाकई इसको पेमेंट देनी है, तो वो जज से कोई भी डेट ले सकता है, कितनी डेट मुझे जज साहब आप दे दीजिए, मैं इतनी डेट को जो पेमेंट जो है कंप्लेनेंट को दे दूंगा, या मुझे आप 2 डेट्स दे दीजिए या 3 डेट्स दे दीजिए, मैं एक दो तीन डेट्स के बीच बीच में जो है पूरी पेमेंट कर दूंगा, या मैं इकट्ठी साथ में पेमेंट कर दूंगा।
तो एक तो सेटलमेंट का ये होता है सिस्टम, अगर वो एक्यूज जो होता है वो नहीं मानता कि जो मैंने चेक दिया ही नहीं है, वो चेक जो है उनके पास वो फर्जी है, अगर वो डिनाई कर देता है तो जो होता है केस आगे चलता है। इसके साथ में कंप्लेनर, जैसे कि अभी एक नई प्रोविज़न आई है 143A के अंडर, कंप्लेनर कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है कि जितने भी चेक की अमाउंट है उसका जो 20% है वो मुझे दिया जाए। नई प्रोविज़न के अनुसार जो एक्यूज़ होता है उसको चेक अमाउंट का 20% जो होता है वो कंप्लेनर को देना पड़ता है जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है उसके 60 डेज के अंदर अंदर, यानी कि विद इन 60 डेज होती है उसको पेमेंट करनी पड़ती है 20% चेक अमाउंट की। अब जैसे कि एक्यूज होता है वो मानता नहीं कि चेक जो है फर्जी होगा, जो मैंने दिया नहीं, जो कुछ भी है, तो केस आगे बढ़ता है। तो जैसे कि जो कंप्लेनेंट होता है वो विटनेस करवाता है, एक तो खुद कंप्लेनेंट हो जाता है, इसके अलावा जो बैंक के क्लर्क वगैरह होते हैं वो भी विटनेस के रूप में कंप्लेनेंट जो होता है पेश करना चाहता है। तो जो एफिडेविट दिया होता है कंप्लेनेंट ने, उसके खिलाफ जो एक्यूज का वकील होता है वो उस एफिडेविट के खिलाफ कंप्लेनेंट से सवाल जवाब पूछता है, क्रॉस करता है कंप्लेनेंट का वगैरह वगैरह, जो भी उसके सवाल जवाब होते हैं वो पूछता है कंप्लेनर से। इसके अलावा जो बाकी विटनेस होते हैं कंप्लेनर के, उस पर भी क्रॉस करता है एक्यूज्ड का जो वकील होता है। तो जो जितने भी विटनेस होते हैं उस सभी पर क्रॉस करने के बाद जब कंप्लेनर की जो एविडेंस होती है वो क्लोज हो जाती है, उसके बाद होते हैं मुजरिम बयान। कोई भी क्रिमिनल केस होता है उसमें 313 के बयान होते हैं, उसमें पूछा जाता है जो एक्यूज होता है कि आप पर ये इल्ज़ाम लगे हैं, आपने ऐसा किया, वो सभी को डिनाई करता है एक्यूज कि मैंने नो 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 में कि मैंने ऐसा जो भी है नहीं किया। तो लास्ट में जो होता है उसे पूछा जाता है कि आप अपनी सफाई में कुछ पक्ष रखना चाहते हैं या आप अपने डिफेंस में कोई भी गवाह या कोई भी डिफेंस करवाना चाहते हैं, तो उसे एक्यूज यस करता है। उसके बाद चाहे तो एक्यूज खुद भी अपनी आप कोर्ट में अपनी गवाही दे सकता है कि जो भी उसने बताना हो अपने हक में बता सकता है कोर्ट में, नहीं तो अगर उसने कोई विटनेस करवाने हो एक्यूज ने तो अपने वो विटनेस भी करवा सकता है। दोनों पक्ष के एविडेंस क्लोज होने के बाद जो मैजिस्ट्रेट होता है वो उसको ऑर्डर पास करना होता है। जाहिर सी बात है कि फर्स्ट डेट में तो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर पास नहीं करेगा, तो सेकंड जो थर्ड डेट में अगर वो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर पास करता है तो उसमें 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। चेक के केस में 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, इसके अलावा फ़ाइन भी मैजिस्ट्रेट लगा सकता है, क्योंकि अगर सज़ा होती है एक्यूज को तो इसमें कंप्लेनेंट को कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, तो इसलिए एक्यूज को फ़ाइन भी लगाया जाता है ताकि। तो इसके बाद जो होती है ऑर्डर होने के बाद एपीलेट कोर्ट होती है, अगर वह क्यों चाहे तो एपीलेट कोर्ट में भी अपील लगा सकता है। कि इस प्रकार से होती है कोर्ट में चलती है प्रोसीडिंग, चेक के केस में 138, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में। ये मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में बताया है, जो प्रोसीडिंग होती है काफ़ी लंबी भी चल सकती है। चेक बाउंस के फ्रेंड्स जो केस होते हैं वो कई बहुत कम समय में भी ख़त्म हो जाते हैं, और कई तो 2 साल 3 साल 4 साल भी लग जाते हैं ख़त्म होने में। डिपेंड करता है कि आपका केस कितना है, कैसा है, अमाउंट कैसे कितनी है, कौन सा वकील आपने हायर किया है, सभी फैक्ट को देखने के पे ये डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलें। जल्दी मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, धन्यवाद।